तो हम लोग टॉलेंस कंप्लीट कर दिए थे, है ना? ठीक है, 2,4-DNP टेस्ट भी हो गया था। ये बेसिकली होता है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, है ना? और ये जो रिएजेंट है ये आपको याद होना चाहिए, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन, और इसका रिएजेंट का नाम स्ट्रक्चर के साथ याद होना चाहिए, ब्रेडी रिएजेंट बोलते हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। 2,4-DNP टेस्ट बोलते हैं इसको, है ना? एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ही होता है, ठीक है? एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। और एक चीज और याद रखना कि यहाँ से क्या निकलता है, ये तो शॉर्ट मेथड है कि यहाँ से पानी निकाल देते हैं, जो कंपाउंड बनता है उसका कलर याद होना चाहिए। जैसे ऑरेंज और येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होता है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ये वाला। रिएक्शन याद हो या ना हो, लेकिन जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये वाली, ये याद होना चाहिए, क्योंकि यही पूछ सकते हैं वो लोग, बोलेंगे कौन सा कंपाउंड का पीपीटी बन रहा था 2,4-DNP टेस्ट में, तो आपको ये याद होना चाहिए स्ट्रक्चर प्रॉपर, ठीक है ना? कलर भी पूछ सकते हैं, ऑरेंज या येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होता है ना, क्लियर है? ठीक है ना, अब आगे चलते हैं हम लोग। क्लियर हो गया ना आपको, है ना? सर लास्ट में बता दीजिएगा एक बार दोबारा से, मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, ठीक है ना? अब चलते हैं फेलिंग टेस्ट। देखो फेलिंग टेस्ट में दो सोल्यूशन होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी सोल्यूशन हम लोग बोलते हैं। फेलिंग ए में क्या होना चाहिए, क्या रहता है? एक्वास कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है ना? फेलिंग ए में क्या होता है हमारा, एक्वास कॉपर सल्फेट, है ना? ये याद होना चाहिए, फेलिंग ए सोल्यूशन में हमारे पास एक्वास कॉपर सल्फेट होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? फेलिंग बी सोल्यूशन में क्या होता है आपको, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टर्टरेट पाया जाता है, उसे हम लोग रोचेल सॉल्ट भी बोलते हैं, और ये पूछा भी गया है बहुत बार, तो याद रखना रोचेल सॉल्ट किसे बोलते हैं, कहाँ पे यूज होता है, क्यों यूज होता है ना, तो फेलिंग टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? इसका नाम क्या है रोचेल सॉल्ट को, अल्कलाइन, अल्कलाइन मीन्स NaOH यूज होगा, बेस कोई सा भी, NaOH KOH, है ना? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसी को हम लोग बोलते हैं रोचेल सॉल्ट, है ना? और हमारा फेलिंग कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही होता है ये भी। ये क्या करता है, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है सॉल्ट में, एसिड के सॉल्ट में ऑक्सीडाइज कर देता है। ये देखो अल्डिहाइड को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया किस में, एसिड में, है ना? सॉल्ट ऑफ एसिड, फाइन। और क्या बनता है, कुप्रस ऑक्साइड। कुप्रस ऑक्साइड का कलर क्या होता है बोलो? रेड रेड होता है, ठीक है ना? रेड पीपीटी बनता है यहाँ से, रेड पीपीटी इसी का बनता है ना? बट क्वेश्चन जो है ना, ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि फेलिंग टेस्ट में कलर क्या होता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, रोचेल सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, फेलिंग ए है कि फेलिंग बी है, ये कौन सा सोल्यूशन है, ये फेलिंग बी है ना, रोचेल सॉल्ट, है टेस्ट का ना? स्ट्रक्चर कैसा होता है आपने बताया था अभी। देखो फेलिंग ए में क्या होता है, कॉपर सल्फेट प्लस 5H2, इसे हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं, तो ये याद होना चाहिए। फेलिंग बी क्या था हमारा, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, है ना? तो अल्कलाइन में बेस यूज होगा NaOH डॉट, ये पूरा स्ट्रक्चर है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का, ठीक है? ओके, और इसी को हम लोग बोलते हैं रोचेल सॉल्ट। तो मैं बार बार रोचेल सॉल्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि रोचेल सॉल्ट का स्ट्रक्चर बताओ, या रोचेल सॉल्ट कहाँ यूज होता था, फेलिंग में कौन सा फेलिंग में यूज हुआ है, फेलिंग ए या फेलिंग बी में, कौन सा सोल्यूशन, फेलिंग ए सोल्यूशन था कि फेलिंग बी सोल्यूशन था, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ठीक है? ओके, नेक्स्ट जो अभी तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ सकते हैं कि अगर आप फेलिंग ए फेलिंग बी को मिलाते हैं, जब आप मिक्स करोगे तो कलर क्या बनता है हमारा, डार्क ब्लू कलर बनता है ना? अभी तो पूछा नहीं गया, पूछ सकते हैं ये लोग, है ना? कौन सा कलर होता है, डार्क ब्लू कलर, ठीक है? और आपको और चीज ध्यान रखना है, जैसे टॉलरेंस में देखिए कौन किसको किसको करता था वो, है ना? और फेलिंग किसको करता है, फेलिंग केवल एंड केवल एलिफेटिक अल्डिहाइड को ही करता है, ध्यान रखना, टॉलरेंस नहीं है, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों को कर देता है, ये केवल एलिफेटिक को ही करता है, ठीक है? सेकेंड ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को भी करेगा, टर्मिनल अल्काइन को भी करता है, एंड हमारा फॉर्मिक एसिड को भी, ये क्या पॉजिटिव टेस्ट देगा, है ना? फेलिंग हमारा याद रखना है, ठीक है?
ग्लूकोज फ्रुक्टोज टर्मिनल अल्काइन हो या एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक को नहीं देगा, याद रखना आप लोग, है ना। और एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को भी देता है, ठीक है। हाँ, फेलिंग देगा। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन समझ में आ रहा है ना, कौन सा कीटोन? CH3, CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो अल्फा पोजीशन पे ओएच लग गया, इसी को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इसको भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, फेलिंग। टॉलरेंस भी देता था, फेलिंग देगा, है ना। बट ये इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है नेगेटिव टेस्ट देता है, नॉट गिव टेस्ट, है ना। फेलिंग टेस्ट नहीं देता है हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड, याद रखना, है ना, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा बेंडिक टेस्ट, सेम फेलिंग की तरह ही होता है ये भी। यहाँ पे भी दो सोल्यूशन, ए और बी। ए में क्या है? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। बी में क्या है? बेसिक अल्कलाइन मीडियम डॉट साइट्रेट होता है। सिट्रेट जो है इसका स्ट्रक्चर याद रखना आप लोग, है ना, सिट्रेट बोलते हैं, है ना। सेम ये भी फेलिंग की तरह ही काम करता है ना। ये भी क्या करेगा? एल्डिहाइड को सॉल्ट में ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। कलर कौन सा बनता है? ब्रिक रेड। कुप्रक्स ऑक्साइड जो बनता है उसका कलर क्या होता है हमारा? ब्रिक रेड, ये याद रखना आप लोग, है ना, ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ तक बोलो, एनीवन? और एक बार एल्कीन एल्काइन का एग्जांपल दे दीजिए, इसमें फेलिंग टेस्ट में कैसे होगा? कौन सा? अल्काइन। सर एल्काइन टेस्ट लेगा जैसे टॉलेंस देता था ना, सेम फेलिंग करेगा। टॉलेंस करता क्या था? टॉलेंस जैसे ये आपको दिया ना टर्मिनल अल्काइन, तो टॉलेंस का सॉल्ट बन जाता ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता था। सेम यहाँ पे भी होगा, सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। सॉल्ट ही बनेगा टर्मिनल अल्काइन का, ठीक है। सर। देखो पॉजिटिव टेस्ट का मतलब ये थोड़ी हो गया, मान लो जो ब्लू कलर दे रहा है ये भी ब्लू दे। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप टॉलरेंस भी देखोगे तो ये मिरर नहीं देता है, मिरर टेस्ट नहीं देगा ये, है ना। मिरर नहीं होता है यहाँ पे, याद है ना, पीपीटी बनता है, ये नहीं होता है मिरर। यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनता है, तो रिएक्शन कर रहा है। ये सॉल्ट रेड कलर का बनेगा, ये सॉल्ट रेड कलर का होगा सर, कौन सा? पी व्हाइट ये जो पीपीटी बना बनता है। है ये, व्हाइट व्हाइट, ये व्हाइट 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 बनेगा ये, ठीक है। टॉलेंस ओके सर। में, टॉलेंस का बात कर रहे हैं यहाँ पे। टॉलेंस में, टॉलेंस किसके लिए हम लोग मोस्टली जानते थे कि मिरर बनता था, है ना, मिरर टेस्ट बोलते हैं। लेकिन अल्कलाइन में आप ध्यान रखना, वहां पे मैंने लिखा है कि व्हाइट पीपीटी होता है वहां पे, तो ध्यान रखना। कभी पूछ लेता है ये लोग ना कि टॉलेंस टेस्ट के साथ रिएक्ट करा रहे हो टर्मिनल अल्काइन तो क्या मिलेगा, तो वहां पे ऑप्शन में मिरर भी रहता है, मिरर टेस्ट। तो ध्यान रखना मिरर नहीं होता, ये व्हाइट पीपीटी बनता है यहाँ। यहाँ पे मिरर का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिल्वर मिरर जो बोलते हैं हम लोग, सिल्वर मिरर वो नहीं बनता है ना, यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है टेस्ट देता है कि नहीं देता, बस ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ज्यादा कहाँ याद रखना है? फाइनल प्रोडक्ट, रिएजेंट का स्ट्रक्चर, क्या क्या याद रखना है मैं वहां पे फोकस कर रहा हूँ, है ना, ये ध्यान रखना। जैसे इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। क्यूप्रक्स जो बन रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो जिसका कलर का बात हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर, उसका नाम, हर चीज याद होना चाहिए। आपको ऐसे लिख के नहीं देगा, टेल मी व्हाट इज बेंडिक टेस्ट, ऐसे थोड़े लिख के देगा, ठीक है ना। वो लोग पूछेंगे कि जो बेंडिक टेस्ट में जो ब्रिक रेट का फॉर्मेशन हो रहा था उसका नाम क्या है, तो आपको नाम याद रखना चाहिए, कुप्रक्स ऑक्साइड, या बोल दे उसका स्ट्रक्चर क्या है, जो आगे आएगा जहां मैं बताऊंगा आपको, है ना। जो जो चीज याद रखना चाहिए, जैसे ब्रिक रेट किसका कलर है? इसका है, तो ये याद होना चाहिए पूरा डिटेल में, और रिएजेंट का स्ट्रक्चर दोनों का, बस। कैसे हो रहा है कोई नहीं पूछेगा, है ना, मैकेनिज्म नहीं पूछेगा कोई, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा सिप टेस्ट, सर, हाँ बोलो। इस वाली रिएक्शन में BS क्या है? ये BS, यही है रिएजेंट है यहाँ पे BS,
दोनों डाला हुआ है, बी ए प्लस बी बी है, ठीक है, बी ए प्लस बी बी है ना, ओके सिप टेस्ट। तो सिप टेस्ट हम लोग अल्डिहाइड के लिए ही यूज करते हैं केवल, ओनली फॉर अल्डिहाइड। बट एक चीज याद रखना, सिप टेस्ट जो है एसीटोन भी शो करता है, एक्सेप्शन है बस, केवल एसीटोन, कीटोन का केवल एसीटोन, ठीक है, बाकी कौन सा शो करते हैं, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड जो है कोई सा भी अल्डिहाइड हो, एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो, कोई सा भी अल्डिहाइड हो, सिप टेस्ट देगा ही देगा। यहाँ पे होता क्या है, कलर जो होता है ना, मजेंटा कलर या पिंक कलर जो होता है, जैसे सिप रिएजेंट क्या है ये याद होना चाहिए, रोजालाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है। सिप रिएजेंट क्या होता है, उसका नाम क्या है ना, नाम याद रखना, ठीक है ना, पी रोजालाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है ना, पी रोजालाइन हाइड्रोक्लोराइड इसी को हम लोग बोलते हैं मजेंटा डाई, या हम सर ये पी क्या है यहाँ पे? पी पारा है, ठीक है, पी भी लिखा रहेगा, नहीं भी लिखा रहेगा, तो आपको याद रखना है रोजालाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है ना, पिंक कलर, इसको हम लोग पिंक कलर ही बोलते हैं, ठीक है ना, पहले पिंक कलर होता है ना, पहले ये पिंक कलर में पाया जाता है, फिर हम लोग करते क्या है, सिर्फ रिएजेंट जो पिंक कलर था उसको हम लोग पास करा रहे हैं, ध्यान रखना H2O और SO2 में, H2O प्लस SO2 में जैसे ही पास कराते हैं पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, जो हमारा पिंक कलर था, मजेंटा कलर जो था वो डिसअपियर हो गया। उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप को उस सोल्यूशन के अंदर पास कराते हैं, अल्डिहाइड को एंड कीटोन को। तो अल्डिहाइड को जैसे ही हमने पास कराया तो जो कलर डिसअपियर हुआ था वो कलर फिर से रीअपियर हो गया, रीस्टोर हो गया, समझ गए आप लोग। बट जब हम लोगों ने कीटोन को पास कराया तो कलर अपियर नहीं रहा, सोल्यूशन जो कलरलेस था, सोल्यूशन रिमेन कलरलेस, सोल्यूशन के कलर में कोई भी चेंज नहीं आया, समझ गए, है ना, एक्सेप्ट एसीटोन, एसीटोन में भी देखा गया लेकिन बहुत समय के बाद, काफी टाइम लगा कलर दिखा, है ना, तो याद रखना एक्सेप्शन है एसीटोन केवल, है ना, ठीक है। सर वो पिंक कलर वापस आ गया, मतलब एल्डिहाइड डालने से। यस, पिंक कलर जो डाई था SO2 प्लस H2 आपने डाला, सॉल्यूशन हमारा कलरलेस हो गया, सॉल्यूशन कैसा हो गया हमारा, कलरलेस हो गया। अब हम लोग पास करा रहे हैं हमारा अल्डिहाइड, मैंने पास कराई, ठीक है, अल्डिहाइड जैसे ही हमने पास कराया पिंक कलर रीअपीयर, जो पिंक कलर चला गया था फिर से रीस्टोर हो गया। सिमिलरली जब हमने कीटोन पास कराई तो कलर नहीं दिखा, है ना, नो पिंक कलर रीअपीयर, जो पिंक कलर खत्म हो गया था नॉट रीस्टोर्ड, रीस्टोर नहीं हुआ। तो हम लोग सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप था कौन सा था, अल्डिहाइड, है ना, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है बोलो, एनीवन डाउट है, नो सर, क्लियर है। ना। और पी रोजा लाइन का स्ट्रक्चर भी याद रखना है ना, पी रोजा लाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है उसका स्ट्रक्चर भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, रिएजेंट का नाम लिखने भी बजाय कि सिर्फ रिएजेंट है, ये है वो है, वो लोग डायरेक्ट रिएजेंट का स्ट्रक्चर ही दे देते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना पी रोजा लाइन का स्ट्रक्चर जो होता है, पी रोजा लाइन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर याद रखना, इसी का नहीं, सबका, सबका मैं बता रहा हूँ, सबका, रिएजेंट का स्ट्रक्चर, जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम, उसका कलर, उसका स्ट्रक्चर, यही तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैकेनिज्म कोई नहीं पूछने वाला है, कैसे कलर आ गया, कैसे ये हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई नहीं पूछेगा, है ना, ठीक है ना। तो कल आप लोग स्ट्रक्चर भी इसका याद रखना, भूलना नहीं, है ना, ठीक है, किसी को डाउट है बोलो। सर स्ट्रक्चर कौन सी स्लाइड में था? स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है ना पी रोजा लाइन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है,
स्ट्रक्चर याद रखना रिएजेंट का है ना। तीन रिंग है ना, रिंग तीन है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, एनएच टू लगा दो हर जगह, ठीक है, सारे पारा पोजीशन पे एनएच टू आप लगा दो। यहाँ पे एनएच टू है ना। इसके बाद क्या करना है आपको, क्लोराइड सीएल, ठीक है, आपको सीएल यहाँ पे लगा, ठीक है। यही स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, पी रोजालाइन हाइड्रोक्लोराइड का। तो स्ट्रक्चर याद रखना, स्ट्रक्चर डायरेक्ट दे देंगे, आप बोलेंगे कि ये बताओ क्या ये रिड्यूस कर सकता है एल्डिहाइड को, क्या ये कीटोन को कर सकता है, ये स्ट्रक्चर देख के। तो फिर आपको अगर स्ट्रक्चर याद रहेगा तभी कर पाओगे ना, वो नाम भी दे सकते हैं, स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ये ध्यान रखना, वो लोग कुछ भी दे सकते हैं ना, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है ना, ठीक है। चलो पर इसमें एक ही रिंग में दो होंगे, दो डबल बॉन्ड, बाकी दोनों में तीन तीन डबल बॉन्ड होंगे। यही सॉल्ट बना है ना यहाँ पे, यहाँ पे ये सॉल्ट है। ठीक है, क्लोरीन अरे क्लोरीन लगा हुआ है या फिर अभी चेंज लगा करके? नहीं रहता है ना, एक चीज ध्यान रखना, क्लोरीन यहाँ पे मेंशन भी हो सकता है, क्लोरीन यहाँ पे मेंशन भी नहीं हो सकता है, क्लोरीन आप कहीं पे भी मेंशन हो सकता है, ध्यान रखना। ये आप लोग कहीं पे पॉजिटिव रहेगा ना तो नेगेटिव उसके साथ ही रहता है ऐसे। अगर आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखो तब भी समझने वाला समझ जाएगा कि आप पॉजिटिव के पास ही लिखे हो। इंटरेक्शन होता है ना, आयनिक इंटरेक्शन होगा ना पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, तो साथ में लिख लो है ना, साथ में, या डॉट करके सीएल भी लोग लिखते हैं, इधर भी लिख सकते हो, जिधर मन वैसे लिख दो है ना। तो इसका मतलब ये हुआ ये इसके साथ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप लोग। ओके, तो स्ट्रक्चर याद रखना है इसका भी, पी रोजालाइन हाइड्रोक्लोराइड किसका है, सिर्फ रिएजेंट किसके लिए होता है, अल्डिहाइड के लिए, ओनली फॉर अल्डिहाइड, नॉट फॉर कीटोन। कीटोन कौन सा है, एसीटोन, ओनली फॉर एसीटोन के लिए हम लोग यूज करते हैं सिर्फ रिएजेंट। नेक्स्ट जो है हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट, सिर्फ रिएजेंट भी इंपॉर्टेंट है, आइडोफॉर्म तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये तो हम लोग कवर कर चुके हैं, याद है अल्डिहाइड कीटोन में हम लोग कवर कर चुके हैं ये वाला, बोलो हाँ या ना। क्लोरोफॉर्म यस है ना, तो वहां पे अगर आप आइडो यूज कर रहे हो, आयोडीन, तो हम लोग बोलेंगे आइडोफॉर्म, ठीक है ना। तो सेम है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, किस क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, एसीटोन यूज किया हमने, I2+NaOH क्या किया, ऑक्सीडाइज हो गया कीटोन, किस में, सॉल्ट में, +CH+CHI3 LOPPT का फॉर्मेशन होता है ना। ये स्ट्रक्चर याद रखना, तभी आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा, ऐसे दिखना चाहिए है ना, हाँ या ना। अगर ऐसा प्रेजेंट है तो हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, अब आप लोग ये बताओ, ए आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, हाँ या ना, यस या नो में आंसर करना चाहता, जी सर देगा। क्या सभी लोग एग्री हो? सर एक बार ऐड वो हम दोबारा समझा देंगे। ठीक है, देखो, यस यस सोमर, अमाइन कार्बोक्सिलिक एसिड, डन। देखो आइडोफॉर्म टेस्ट में ना जो CH3 था ना, आइडोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म हम लोग अल्डिहाइड कीटोन में कर चुके हैं, तो सेम जैसे क्लोरोफॉर्म था, क्लोरोफॉर्म बोल रहा हूँ मैं, हेलोफॉर्म, ठीक है, हेलोफॉर्म, हेलो फॉर्म में एक्स है, एक्स जगह पर अगर सीएल आएगा तो क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म, बी आ रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रोमोफॉर्म, अगर आपने आयोडीन यूज करा तो हम लोग बोलेंगे आइडोफॉर्म है ना। आयोडीन यहाँ पे भी ना, जो आयोडीन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है ना। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है हमारा,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ठीक है ना, टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसका मैकेनिज्म आप देखोगे ना डिटेल में, तब तो वहां पर पता चलेगा, हम लोगों ने क्लास में कवर किया है इसका मैकेनिज्म, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो कीटोन है ना, कीटोन जो है हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है सॉल्ट में, सॉल्ट में ऑक्सीडाइज हो गया हमारा कीटोन, ठीक है ना, प्लस CH3, ये यहाँ से निकल जाता है पूरा, तो CH3 बन जाता है। CH3 क्या, येल्लो PPT है, येल्लो कलर कैसा होगा, येलो होगा, PPT का फॉर्मेशन होता है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा कंपाउंड हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कौन सा नहीं देगा, इस स्ट्रक्चर से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इससे आप लोग बोल सकते हो कि ये गिवन कंपाउंड जो है हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा, इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्लियर हो गया, बोलो, यस सर, है ना। मैकेनिज्म थोड़ा बहुत बड़ा है तो हम लोग क्लास में कवर कर चुके हैं अल्डिहाइड कीटोन में। इसका मैकेनिज्म भी इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, क्लास में कवर है अल्डिहाइड कीटोन में, हाँ इम्पोर्टेंट है इसका, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि होता है, अगर अगर आपको आइडिया है, इजी होता है मैकेनिज्म, फर्स्ट एसी बेस रिएक्शन होता है, फिर I2 पे करता है अटैक, फिर आप देखोगे ना तो रिपीट होता है स्टेप जो है ना, सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड जो होता है स्टेप रिपीट होता चला जाता है, मैकेनिज्म इजी है वैसे, आप देख लेना, है ना। यस सर, अब बताओ, फर्स्ट हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आप कैसे फाइंड करोगे कौन सा स्ट्रक्चर हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा, ये दोनों स्ट्रक्चर को आप चेक करो, दोनों को चेक करना है यहाँ पे, अगर दोनों जैसा दिखा सेम टू सेम तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज नॉट। ए आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यस सर, बी देगा, नो सर, नो कि यस, नहीं देगा सर, नो सर, कोई है जिसको लग रहा है देगा, नहीं, इसमें बताओ नहीं देगा, नो कोई है जिसको लग रहा है देगा, एनीवन, नो सर, नहीं ना, इसमें बताओ देगा ये नो सर, नो सर, नहीं, देना चाहिए, देना चाहिए ओहो, वही तो, हाँ खोज रहे थे, सर, नहीं देगा, कोई तो नहीं हो देगा जो सर, आए अब बोले आप, सर नहीं मैथ देगा, उसके पास CS3 नहीं है ना, क्या, सी एस मैथ टू क्या, ऑनर्स है। ओके ओके डन, नो, है ना, ये देगा बताओ, यस सर, यस सर, यस सर, ये देगा, देगा सर, यस सर, देगा, यस सर, यस सर, ये देगा, नो सर, नो सर, नो सर, क्या बात है, आप लोग तो, ये बताओ यस सर, देगा ये, यस सर, ये कैसे, इसमें तो देखो CH2 है, नो सर, वो CH2 के साथ सर, OH लगा हुआ है, CS3 मतलब CH3 है अलग निकलेगा। ना, दिख गया ये, जिसको नहीं दिखा होगा वो देख लो, यस सर, देख, ये देगा, देगा यस सर, देखो, यस ना, सर, देखो, जिसको जिसका अलग आ रहा है आंसर ना तो बताना हमको, है ना, ये देगा। नो सर, अरे हेलोजन है, हेलोजन वाला नहीं पता, क्या कहीं देखा नहीं आपने, बोलो, ये बताओ आप लोग, I2 के साथ NMH था ना हमारा सर वहां देना पे, तो देगा चाहिए, ये, क्योंकि ये जो OH माइनस है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और ये यहाँ किया अटैक और ये यहाँ से गैप, तो आपको जो मिलेगा CH3CHOHCH3, क्या आप देगा ये, ठीक यस सर, है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है ना, स्टार मार्क, 5 स्टार देगा, ठीक है, 4 हुआ ना 5, ठीक है, यस देगा, है ना। मतलब सर ये रिएक्शन 2 स्टेप में करवाई है,
नहीं तो बहुत स्टेप जाएगा ये तो, अब स्टार्ट हुआ है ओके सर। ये तो, चलेगा अब, स्टार्ट हो गया, अब चलता चला जाएगा। जो मैकेनिज्म हम लोग कवर किए हैं उसमें अभी चलता चला जाएगा। बेसिकली हमको यहाँ से यहाँ लाना है, फिर ये क्या वक्त होता है, आई टू जो है हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अल्कोहल क्यों देता है पता है आपको, क्यों देता है अल्कोहल, क्योंकि आई टू जो है ना हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज कर देता है अल्कोहल को कीटोन में। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल आपको नहीं पता, डिटेल उतना जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, कीटोन बन गया, अब इसके बाद जो मैकेनिज्म हम लोग पढ़े हैं आई टू वाला, अब लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा प्लस CH3 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद जो स्टेप आएगा ना बीच में, ए से बी के बीच में, वो हम लोग कवर कर चुके हैं मैकेनिज्म में, है ना, याद आया कि नहीं आया बोलो। यस सर, है ना। के में बताओ, के होगा? यस सर होगा। सर होगा क्यों सर, एक तरफ से तो इसमें CH3 C डबल बॉन्ड वो दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से पॉसिबल नहीं लग रहा है तो, क्योंकि वहां पे CH3 नहीं है। जैसे ही आप हीट करोगे ना, ये निकल जाता है CO2, ये गायब हो जाता है, CO2 निकल जाता है, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है ना, तो ये यस देगा, स्टार मार्क। ठीक है, ये सभी सारे देंगे। एल देगा, ये देगा, ठीक है ना, समझ गया ना, देगा, ये भी स्टार मार्क कर लेना। OH OH OH, एक हटाओ OH लगाओ, एक हटाओ OH लगाओ, तो क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप, कीटोन बन जाएगा डायरेक्ट, और उसके बाद जो हमारा बेसिक रूल था फॉलो हो जाएगा, इस सभी देंगे। ठीक है, हाँ ओके, क्लियर है ना सबको, बोलो। यस सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। देखने में ये धोखा है ना, ये धोखा देंगे आपको, आपको देखने में लगेगा कि देना चाहिए बट देते नहीं है, याद रखना ये सब, ये कोई नहीं देगा, देखने में लगेगा कि देगा लेकिन ये नहीं देंगे, ये सारे धोखेबाज हैं, है ना, ठीक है ना, कोई नहीं देगा। ठीक है ओके, ये कोई नहीं देने वाले हैं, क्यों, इसके पीछे रीजन ये है ना, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ लीविंग ग्रुप लग गया है यहाँ पे, तो ये लीविंग ग्रुप में NaOH के प्रेजेंस में, अब ये हमारा NaOH जो है बेस की तरह बिहेव नहीं करता है, अब ये OH माइनस हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, और आइडो फॉर्म टेस्ट या हेलो फॉर्म टेस्ट में हम लोग ने क्या था, फर्स्ट स्टेप एसिड बेस रिएक्शन था ना, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है ना, ये अटैक करता है, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से गायब, तो लिविंग ग्रुप क्या है हमारा, OET है, OR है, यहाँ पे NH2 है, ये सभी क्या है हमारा लिविंग ग्रुप ही तो है, इसलिए ये तीन पांच जो है, पांच छह जो है नेगेटिव टेस्ट देते हैं, आइडो फॉर्म टेस्ट, देखने में तो आपको लगना चाहिए देंगे लेकिन नहीं देंगे, याद रखना ये सारे। कहीं पे भी अगर लिविंग ग्रुप आ गया सी डबल बॉन्ड के पास में, CH3 है ठीक है, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो पाता है यहाँ पे, है ना, ये इधर रिएक्शन हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक, है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ये। सिक्स्थ वाला देखने वाले क्या दे रखा है, कौन सा सिक्स्थ वाला ही रहा, ये 1 2 3, हाँ यहाँ पे आएगा OH माइनस, यहाँ पे कर देगा अटैक, ये गैप OET, ठीक है सर, ये OET क्या, OET ET आपका CH3 CH2 है, ओ इसे इथॉक्सी ग्रुप है ना ये तो, इथॉक्सी मिथॉक्सी ओ सी एच थ्री है ना, ये इथॉक्सी हुआ, ठीक है, ओ के साथ CH3 CH2 लगा हुआ है यहाँ पे, ईटी जो है ईटी यही है, ओ हटा दो यहाँ से तो यही हुआ CH3 CH2 डैश, ठीक है, मिथॉक्सी होगा तो OCH3 या OMe लिखा रहेगा ऐसे, है ना ओके। किसी को डाउट है यहाँ तक, बोलो, एनीवन किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट, है ना, ठीक है
कृष्णा डाउट है बोलो। सर ये फिर आपने जो रीजन बताया अभी लिविंग ग्रुप वाला, एक बार दोबारा बता देंगे, समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे देखो, जो हमारा बेस था ना, एनएमएच बेस यूज करते थे ना हम लोग, तो बेस क्या देता था, ओएच माइनस। ये बेस जो है ना, ये न्यूक्लियोफाइल फाइल की तरह भी तो बिहेव करेगा, ओएच माइनस दोनों की तरह बिहेव करता है, बेस की तरह भी और हमारा न्यूक्लियोफाइल फाइल की तरह भी, डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अगर आप ये देखो कि ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा का हाइड्रोजन है तो एसिडिक की तरह बिहेव करेगा, बट अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप है तो ऐसा देखा गया है कि ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, फिर इसलिए यहाँ पे आइडोफॉर्म नहीं, टेस्ट नहीं देता है। आइडोफॉर्म बोलो या आप बोल सकते हो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करता, क्योंकि लिविंग ग्रुप निकल गया ना। और हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता था, एसिड बेस रिएक्शन होना चाहिए, ओएच माइनस जो है हमारा यहाँ पे करना चाहिए अटैक, बट हाँ ओएच माइनस यहाँ मतलब पे। इसका मतलब यहाँ पे एनएओएच जो है वो बेस की तरह बिहेव ना करके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर हाँ, रहा बेस की तरह नहीं कर रहा है यहाँ पे, है। ओके सर, आगे समझिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, किसके लिए होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग NaCO3 यूज करते हैं और हमें मिलता है CO2 गैस रिलीज होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, CO2 गैस है ना। और क्या मेंशन रहेगा आपके एग्जाम में, मेंशन रहेगा ब्रिक इफरसेंस बनता है, किसको बोलते हैं हम लोग, CO2 को, है ना, किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा NaCO3, तो आपको ब्रिक इफरसेंस का फॉर्मेशन होता है ना। NaCO3 क्या है, हमारा वीक बेस है। तो एक चीज और याद रखना, फिनोल भी देता है, लेकिन जब फिनोल, जो फिनोल के साथ अगर NO2 लग गया तब देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये किसके लिए होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ना, फिनोल के लिए, एनिलीन के लिए, एल्डिहाइड कीटोन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, जो ब्रोमीन वाटर है कैसा कलर होता है बताओ, ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है बोलो। हाँ ब्राउन ऑरेंज यस, रेडिश ब्राउन होता है ना, रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका, है ना। ये हमारा सोल्यूशन है, एक सेकेंड, है ना, और इसका कलर होता है हमारा रेडिश ब्राउन, है ना। तो रेडिश ब्राउन कलर जो था हमारा पहले सोल्यूशन के अंदर, जैसे ही आपने अल्किन डाला, सोल्यूशन क्या बन गया, कलरलेस, कैसा हो गया, कलरलेस, है ना। तो इसका मतलब ये होगा, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है हमारा प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, केवल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए ही नहीं यूज करते, बहुत सारा कंपाउंड, जैसे फिनोल के लिए यूज करते थे हम लोग, याद है ना, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, अल्डिहाइड, कीटोन, ग्लूकोज, अल्कीन, अल्काइन, सबके लिए टेस्ट होता है। ये टेस्ट का मतलब ये हुआ, रिएक्ट करेगा वो, ठीक है। फिनोल के साथ भी होता था ना, याद आया, एनिलीन के साथ भी होता है ना, ये आप याद रखना। सर, एल्काइन अगर हो फिर एक बार डबल बॉन्ड में टूटेगा, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड में बनेगा ना, दो स्टेप में हो जाएगा। फिर BR लग जाएगा, दोनों कार्बन पे BR लग जाएगा। सर आप बताओ कौन सा देगा, कौन सा नहीं देगा, ए देगा या नहीं देगा। देगा, सर देगा, एक बार देखा ना कौन से देते हैं। ठीक है, अल्कीन, अल्काइन, फिनोल, एनिलीन, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, ब्रोमिनेशन ऑफ एल फिनोल, अल्डिहाइड, कीटोन, ग्लूकोज, ये सब देंगे, याद रखना, केवल नाम, नाम से ही हो जाएगा ना। इसमें जो चेंज रेडिश ब्राउन कलर हट जाएगा, चेंज क्या आएगा इसमें? चेंज मतलब जैसे ये डिपेंड करेगा जो कंपाउंड बन रहा है ना उस पर कलर कैसा बन रहा है, अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग होगा, ठीक है ना। रेडिश ब्राउन हट जाएगा वहां से, कोई दूसरा कलर आ जाए, ऐसा कुछ होगा। देखो पॉजिटिव टेस्ट का मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे कलरलेस हो गया था और सब में भी कलरलेस हो जाएगा, कहने का मतलब ये रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करेगा तो कोई तो दूसरा कंपाउंड बनेगा ही, उसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट, इसका मतलब रिएक्ट कर रहा है ये, ठीक है। फिनोल के साथ हम लोगों ने किया है, एनिलीन के साथ भी किया है हम लोगों ने, याद आया।
ठीक है, ब्रोमिनेशन ओएच ग्रुप पे तीनों पोजीशन पे बीआर बीआर लग जाता था, याद आया फिनोल के केस में? ट्राई ब्रोमो फिनोल बन जाता था। हाँ बीआर हुआ, यहाँ पे भी बीआर वाटर के साथ, एनिलीन में भी हम लोग किए थे, है ना, और ग्लूकोज के साथ एसिड बना लेता है। तो ये आपको बस ये ध्यान रखना है कि करता है, बस काम खत्म, है ना। यहाँ पे एनिलीन हो गया, ठीक है, रिएक्शन शो कर रहा है तो बनेगा, रिएक्शन कर रहा है इसका मतलब पॉजिटिव हुआ ना, नेगेटिव का मतलब नो रिएक्शन। ओके अब बताओ बी देगा, बोलो सर क्या? नहीं दे रहा। नो सर, अल्कोहल नहीं देगा, वो नहीं देगा, बेंजीन नहीं देगा। श्योर हो? यहाँ पे यस भी तो सर। डबल बॉन्ड है ना। सर एरोमेटिक है ना ये? ये देगा, देगा सर। यस सर। यहाँ पे है ना, यस। ये देगा डी? नो सर। नो सर। नो देगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये पूछा गया है। सर चलो इसका रीजन ये हुआ कि एरोमेटिक है ये। हाँ, डबल बॉन्ड खाली नहीं है वहां पे, इससे पीछे और रीजन है कि एडिशन नहीं हो पाता, एरोमेटिसिटी लूज कर जाएगा ये। ओके सर। सोडियम बाई सल्फाइड टेस्ट है ना, अल्डिहाइड के लिए ही यूज करते हैं, कोई सा भी हो आपके पास अल्डिहाइड, ऑल टाइप ऑफ एल्फेटिक हो या एरोमेटिक अल्डिहाइड हो, सबके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। क्या बनता है हमारा? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है ना, सोडियम बाई सल्फाइड टेस्ट, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, केवल यहाँ पे कौन सा देगा? कीटोन देगा, लेकिन कौन सा? मिथाइल कीटोन गिव्स, ओनली मिथाइल कीटोन। कौन सा होता है मिथाइल कीटोन? लाइक दैट, यहाँ पे कोई आर हो इस टाइप का कीटोन रहेगा ना, तब देगा पॉजिटिव टेस्ट, बस। ओके अब ऐसा ये नहीं देगा, अब कीटोन बोल दिया तो सब कीटोन नहीं देंगे, केवल मिथाइल वाले देंगे, ये नहीं देगा, ये कीटोन नहीं देगा, क्रॉस कर लेना, है ना, केवल ये देगा। एक मिथाइल है ना, बस उसी से। ओके एरोमेटिक हो या एलिफेटिक अल्डिहाइड सब देंगे, है ना। अब आ जाओ बताओ कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा। फर्स्ट देगा क्या? फर्स्ट देगा बोलो, हाँ या ना? यस सर देगा। बी देगा? कौन सा नहीं देगा? भी नहीं देगा, क्यों? देगा सर, देना चाहिए। ये तो अल्डिहाइड है ना। यस सर देगा। यस सी देगा, अगेन देगा सर। डी देगा, नहीं देगा। अभी मैंने बताया ना मिथाइल कीटोन, देखो मिथाइल दिख गया यहाँ पे, देगा ये देगा, इसका नहीं देना सर। चाहिए। ये नहीं देगा सर। इसका नाम नाम बताना, ई वाले का। एच, ये आपका बेंजोफिनोन। डाइबेंजोफिनोल। ये एफ, ये देगा देगा देगा। यस, क्योंकि यहाँ पे क्या है C3। ये देगा? नो सर। नो सर नहीं देगा। नो सर। नो no. ठीक है क्लियर हो गया, और बताओ किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? एनीवन? नहीं ना, याद रखना बेंजोफिनोन नहीं देगा, है ना, एसीटोन देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा हिंसबर्ग टेस्ट, किसके लिए होता है हमारा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एमाइन, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना। रिएजेंट याद रखना, बेंजीन सल्फोनोइल क्लोराइड, ये याद रखना होना, ठीक है ना, इसका रिएजेंट का स्ट्रक्चर नाम सारा चीज, है ना, ये याद रखना। 1 डिग्री साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा बनता है ना, इसका नाम क्या है ना, एल अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, है ना, ठीक है। और ये सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन बेसिक मीडियम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर इसका,
स्ट्रक्चर नाम है ना, ये बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन, तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा। ये हम लोग कवर कर चुके हैं डिटेल में, है ना, याद है, एल्डिहाइड कीटोन में, है ना, अमाइन में, अमाइन में कवर किए इसको हम लोग, ठीक है। एनएमएच के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता ये, ठीक है, क्यों? नॉट इन बिकॉज इट विल नॉट रिएक्ट विथ जो कंपाउंड बना है, क्या नाम है इसका, बेंजीन सल्फोन अमाइड जो बना है कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया पड़ता है ना, बिकॉज इट विल नॉट रिएक्ट विथ एन एन डाई अल्काइल, है ना, डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, फोनामाइड, ठीक है। क्यों नहीं कर पा रहा है? ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ही है, ऊपर चेक करना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये क्या है हमारा एसिडिक, वैसे हम लोग कवर कर चुके हैं अमाइन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, याद आया सबको, बोलो याद आया कि नहीं आया बताओ सर, है ना, हम लोग अमाइन के चैप्टर में हम लोग कवर कर चुके हैं इसे, है ना, डिटेल में, है ना, कि एसिड बेस रिएक्शन होता है तो रिएक्शन करके ये डिजोल्व हो जाता है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होने के चलते फर्दर रिएक्शन नहीं होता है, 3 डिग्री में रिएक्शन ही नहीं कर पाता है, 3 डिग्री में रिएक्शन नहीं हो पाता है ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो नो रिएक्शन, ठीक है, तो नो रिएक्शन, 3 डिग्री रिएक्शन शो नहीं करता है, 2 डिग्री रिएक्शन तो शो करेगा बट सोल्यूबल नहीं हो पाता है, 1 डिग्री सोल्यूबल होगा बेस में, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, फाइन। नेक्स्ट जो है हमारा कार्ब अमाइन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट, है ना, ठीक है, कार्ब अमाइन या आइसोसाइनाइड किसके लिए होता है, याद रखना 1 डिग्री अमाइन और एनिलीन के लिए ही यूज करते हैं हम लोग, 1 डिग्री अमाइन हो या एनिलीन ही देता है आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, बोलो, आइसोसाइनाइड टेस्ट, बोलो, किसी को डाउट है, एनीवन, आइसोसाइनाइड टेस्ट इज फॉर 1 डिग्री अमाइन एंड एनिलीन के लिए ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एनी डाउट, आगे चले हम लोग, ओके, ठीक है, ये कार्बिन है, वैसे आप लोग डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कार्बिन बना रखा है, लेकिन आप याद होना चाहिए क्या यूज करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, ओके। और एक चीज और याद रखना, अगर आप ये नहीं बनाना चाह रहे हो तो आप इसको हटा के ये लिख लो, क्लोरोफॉर्म, है ना, ठीक है, तो याद रखना 1 डिग्री और एनिलीन ही टेस्ट देता है, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन विल नॉट गिव द आइसोसाइनाइड टेस्ट, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन नहीं दे पाता है ना। नेक्स्ट जो है हमारा होपमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट किसके लिए होता है, 1 डिग्री अमाइन या एनिलीन के लिए यूज करते हैं हम लोग, है ना, 1 डिग्री अमाइन और एनिलीन के लिए ही। यहाँ पे क्या होता है ना, CH2 जो यूज कराते हैं हम लोग और फिर उसके बाद HgCl2 के सॉल्यूशन के साथ पास कराते हैं हम लोग, है ना, तो मस्टर्ड ऑयल की तरह स्मेल मिलता है हमें, ना, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल की तरह स्मेल आपको मिलेगा, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, उसके बाद इसको हम लोग HgCl2 के से पास करा देते हैं, ठीक है, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल गैस की तरह स्मेल मिलता है, क्या बना, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, इससे क्या पता चलेगा, 1 डिग्री अमाइन है या एनिलीन के लिए हम लोग यूज करते हैं होपमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ठीक है, इट इज नॉट यूज फॉर 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के लिए यूज नहीं करते हैं, एनिलीन के लिए करेंगे बट 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के लिए नहीं, ठीक है, तो
ये ध्यान रखना आप लोग, है ना, किसके लिए करता है किसके लिए नहीं करता है, इसका नाम क्या है, और जो स्ट्रक्चर ये बन रहा है यहाँ पे इसका नाम, ये इम्पोर्टेंट है ना। ये जो बना है यहाँ पे इसका नाम बोलेगा कि जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, एनिलिंग के साथ जब रिएक्ट कराओगे मस्टर्ड ऑयल के साथ तो क्या बनेगा, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, स्ट्रक्चर, उसका नाम, रिएजेंट, है ना, ये इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। नेक्स्ट जो है हमारा मुल्कन बर्कर टेस्ट, किसके लिए होता है, नाइट्रोबेंजीन, है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोबेंजीन को रिएक्ट करा देते हैं जिंक प्लस NH4Cl के साथ, तो आपको क्या मिलता है, फिनाइल हाइड्रोक्सी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट में पास कराते हैं, ठीक है ना, टॉलेंस रिएजेंट जो ऊपर हम लोग कवर किए हैं उसके प्रेजेंस में जिसे पास कराते हैं हम लोगों ने, तो नाइट्रोसो बनता है प्लस Ag का सॉलिड, Ag सॉलिड बन जाता है, इसका मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, ये सिल्वर मिरर की तरफ फॉर्मेशन होता है, ये भी है ना, क्लियर है, तो ध्यान रखना। पहले हम लोग जिंक प्लस NH4Cl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, हम लोग क्या बनता है, फिनाइल हाइड्रोक्सी अमाइन का फॉर्मेशन होता है, फिर टॉलेंस रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं तो हमें मिल जाता है नाइट्रोसो बेंजीन, याद रखना नाइट्रोसो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है प्लस सिल्वर सॉलिड PPT बनता है, तो यही सिल्वर क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, ग्रे या ब्लैक कलर में, याद रखना है ना, क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारा बेयर रिएजेंट, बेयर रिएजेंट किसके लिए यूज होता है, सेम अल्कीन के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, क्या होता है यहाँ पे 1% अल्कलाइन KMnO4 का यूज करते हैं, पिंक कलर जो था हमारा पहले KMnO4 का जो पिंक कलर है रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, पिंक कलर इज कन्वर्टेड इंटू रेड, ये कलर कैसा है हमारा, पिंक सोल्यूशन का कलर पिंक है, आपने डाल दिया अल्कीन, है ना, तो क्या होता है पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, OH सेम साइड से ही ऐड हो जाते हैं, सीन एडिशन होता है ना, याद रखना अल्कलाइन KMnO4 में सीन साइड से OH ग्रुप ऐड होते हैं, है ना, तो पिंक कलर जो था KMnO4 का चेंज इनटू रेडिश ब्राउन, किस रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन हो गया हमारा, क्यों क्यों हो रहा है रेडिश ब्राउन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ MnO2, MnO2 का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, तो MnO2 का कलर होता है रेडिश ब्राउन, है ना, तो ध्यान रखना अल्कलाइन KMnO4 भी हम लोग यूज करते हैं बेयर रिएजेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा मोलिस टेस्ट होता है ना, कौन सा टेस्ट, याद रखना मोलिस टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोग यूज, हाइड्रोकार्बन बोल रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट के लिए, है ना, इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड हो, डाइसेक्राइड हो, पॉलीसेक्राइड हो, एक्सेप्ट ट्राइओज और टेट्राओज को, ठीक है, ट्राइओ जो तीन वाला, टेट्रा चार वाला जो था एल्डिहाइड, उसको छोड़ के बाकी सबके लिए हम लोग यूज करते हैं मोलिस टेस्ट, इसके लिए ही नहीं न्यूक्लिक एसिड और ग्लाइकोप्रोटीन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, याद रखना न्यूक्लिक और ग्लाइकोप्रोटीन भी पॉजिटिव टेस्ट देता है इसको मोलिस टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना मोलिस टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, किसके लिए यूज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कोई सा भी कार्बो हो, है ना, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, शुगर के लिए भी, ग्लूकोज के लिए भी, फ्रुक्टोज के लिए भी, है ना, सबके लिए, ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, मोलिस टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। इसमें होता क्या है, अब देखो रिएक्शन कैसे होता है इसका, रिएक्शन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या क्या है इंपॉर्टेंट, एक्ट इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड को भी पॉजिटिव टेस्ट देता है, न्यूक्लिक एसिड भी देगा और ग्लाइकोप्रोटीन भी देता है पॉजिटिव टेस्ट, मोलिस टेस्ट, है ना, कैसे इसमें होता क्या है ना, पहले क्या होगा ना, अगर आपने पेंटोज यूज करा, पेंटोज कोई भी तो शुगर यूज करोगे ना आप, हेक्सोज यूज करो या पेंटोज यूज करो, कोई तो यूज करोगे ना आप, समझ रहे हो, तो पेंटोज को जब आप यूज करोगे तो पहले क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, किसमें, फुरफुरल में, जो अभी मैं बताऊंगा, है ना, जब आप हेक्सोज यूज करोगे ये डिहाइड्रेट हो जाएगा किसमें, 5-hydroxymethyl furfural में, ठीक है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बताया किसको किसको करता है और इसका फाइनल स्ट्रक्चर जो बनता है, ठीक है ना, पहले डिहाइड्रेशन के बाद अब ये जाएगा रिएक्ट करेगा मोलिस रिएजेंट के लिए, यहाँ पे मोलिस रिएजेंट क्या होता है, अल्फा नेप्थनॉल होता है, यही हमारा क्या है, मोलिस रिएजेंट, याद रखना मोलिस रिएजेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अल्फा नेप्थनॉल क्या है,
अल्फा नेप्सोनोल का मतलब ये हुआ, दो रिंग अटैच है एक दूसरे से, अल्फा पोजीशन पे ओएच लगा हुआ है, अल्फा पोजीशन पे ओएच, इसी को हम बोलते हैं अल्फा नेप्थोनोल। और यही हमारा क्या है, मोलिस रिएजेंट प्लस इथेनॉल भी रहता है, ठीक है, इथेनॉल या एसिड, HCl या H2SO4 है ना, कोई सा भी, ठीक है, यही हमारा मोलिस रिएजेंट है। पहले क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, जो भी आप शुगर यूज कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हो, उसका डिहाइड्रेशन होगा, उसके बाद मोलिस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, जो कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स का कलर याद होना चाहिए, उस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मोलिस रिएजेंट क्या होता है, अल्फा नेप्थोनोल हम लोग यूज करते हैं, है ना, ठीक है, फाइन, है ना। मोलिस रिएजेंट पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है ना हमारा, डिहाइड्रेशन होता है किसके प्रेजेंस में, एसिड, H2SO4 हम लोग यूज करेंगे वहां पे, तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है ना। फिर ये एल्डिहाइड जो है कंडेंस हो जाता है किसके साथ, दो मोलिक्यूल, हम लोग दो मोलिक्यूल यूज करते हैं, किसका, अल्फा नेप्थनोल का, यही हमारा था मोलिस रिएजेंट, ठीक है ना। क्या क्या बनेगा हमें, टू फॉर्म ए पर्पल करल प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट बनता है, और इसी का कलर से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपको दिया गया कंपाउंड क्या कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, पर्पल कलर का है ना, ठीक है, याद रखना, ठीक है। हमने क्या यूज किया, ग्लूकोज, है ना, एसिड के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हुआ है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो गया, पानी निकल गया 3 मोल, तो आपको मिल गया एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, है ना, 5-हाइड्रोक्सीमिथाइल फुरफुरल का फॉर्मेशन हो गया, इसका नाम है ये, ठीक ना। अब ये रिएक्ट करेगा मोलिस रिएजेंट के, अल्फा नेप्थनोल से रिएक्ट करता है, ठीक है ना, अल्फा नेप्थनोल से रिएक्ट किया, इसका नाम याद रखना आप, है ना, अल्फा नेप्थनोल से रिएक्ट करके जो कंपाउंड बना है, इसी का कलर होता है पर्पल कलर डाई, ये जो स्ट्रक्चर, ये आपको याद होना चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलर ये शो नहीं करता है, इसके बाद क्या होता है ना, कलर ये नहीं शो करेगा, यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, यहाँ पे डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, अब ये कलर शो करता है पर्पल कलर डाई, डाई बन गया अभी, ठीक है, रेजोनेंस होने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, अब ये कलर शो करता है पर्पल कलर डाई, और यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज, याद रखना है ना, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सर हाँ सर ये रेजोनेंस सिर्फ इसी OH होगा, इधर से भी तो हो सकता है। नहीं, एक, हाँ इधर से होगा तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, कोई एक होगा ना, आइदर ये या अच्छा, तो ये, ठीक मतलब डबल बॉन्ड वहीं पे बनेगा सेंटर पे। ठीक इधर से करोगे तो यहाँ बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर याद रखना आप लोग, है ना, डबल बॉन्ड बनने के बाद ही पर्पल कलर डाई बनता है ना, ये स्ट्रक्चर देख के भी पूछ सकते हैं वो लोग, ध्यान रखना ये सारा स्ट्रक्चर याद रखना, है ना, याद रखना आप लोग, अल्फा नेप्थनोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका नाम, मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे, ये कैसे यहाँ से यहाँ आ गया, नो, स्ट्रक्चर पूछ देंगे, ये बताओ जो पर्पल कलर डाई बना था उसका स्ट्रक्चर क्या है गिवेन, है ना, प्रोडक्ट में याद ए करना बी सी डी, पड़ेगा। हाँ स्ट्रक्चर ओवर भी आपको थोड़ा मीन्स आइडिया होना चाहिए क्या स्ट्रक्चर बना है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है ना, ये सबका क्या बन रहा है, कलर क्या है, प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर, तीन चीज याद होना चाहिए, और रिएजेंट का नाम, रिएजेंट का स्ट्रक्चर, पांच चीज, टेस्ट में मैकेनिज्म को कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा लिबरमैन टेस्ट, किसके लिए होता है, 2-डिग्री अमाइन और एलिफेटिक अमाइन के लिए ही यूज करते हैं हम लोग, लिबरमैन टेस्ट, है ना। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग फिनोल को रिएक्ट करा देते हैं किससे, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ और NaNO2 के साथ, तो हमें क्या मिलता है, ब्लू या ग्रीन कलर का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्या ये अपने आप चेंज हो जाता है जब आप वाटर डालोगे इसमें, जो फॉर्मेशन हुआ ब्लू कलर का, उसमें अगर आपने पानी डाल दिया तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो रेड कलर को हटा के ब्लू कलर भी फॉर्मेशन हो जाता है जब आप बेस यूज करोगे, कैसे, देखो पहले आपने फिनोल लिया,
लिबरमैन टेस्ट है, NaNO2 है ना, तो यहाँ से क्या मिल जाता है ना, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा यहाँ पे, याद रखना इनो, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है यहाँ पे, ठीक ना। तो मैकेनिज्म उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानने के लिए नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए क्या जानना है ना, तो यहाँ से जो NO2+ बनेगा यही जाके ऐड हो जाता है NO, ठीक है ना, ठीक है, तो यही जाके यहाँ पे पारा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, और वाटर आपने पास करा दिया तो पहले ब्लू था, फिर ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जो कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट उसको आपने बेस के साथ पास कराया तो ब्लू कलर बनेगा, कैसे हो रहा है देखो आप, आ जाओ सभी लोग, ठीक है, आपने फिनोल लिया, और ये रिएजेंट याद होना चाहिए लिबरमैन टेस्ट के लिए, इंपॉर्टेंट है ना, और बेस लास्ट में बेस पास करवाते हैं ना, फिनोल लिया, रिएक्ट करा, और यहाँ से क्या बन जाता है, NO+ इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ जाके ऐड हो जाता है ना, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, एसिड रेजोनेंस हुआ यहाँ पे, है ना, या बोल सकते हो टोटोमरिज्म हो गया है, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, यहाँ पे टोटोमीजर टोटोमर हुआ है, ठीक है, एज जो है यहाँ पे चलाया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है ना, सेम फिर हम लोग क्या है, एसिड है, H+ है, तो H+ क्या करेगा, यहाँ से लोन पेयर ले लेगा, तो यहाँ से ही निकल गया आप, NO+ बन गया, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल है, फिर दूसरे बेस के साथ यहाँ अटैक, ठीक है, तो ये चलता चला जाएगा मैकेनिज्म, उतना ज़्यादा कोई पूछेगा नहीं इसका, अब पूछेगा क्या ये ध्यान रखो, अब यहाँ से ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ये वाला, ये जो बना है ना, इसका कलर क्या है, डीप ब्लू, पहले ब्लू कलर बनता है, उसके बाद वाटर जैसे ही पास करोगे तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, पहले डीप ब्लू कलर था, ठीक है ना, ये जो कलर है इसका कलर क्या है हमारा, डीप ब्लू, और इसका नाम क्या है, नाम भी आप लोग याद रखना, फिनोल, फिनोल इंडो, इंडो फिनोल, ठीक है, फिनोल इंडो फिनोल हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक ना, हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ से आया H4- के साथ, ठीक है, इसका कलर ब्लू होता है, याद रखना, भूलना नहीं है ना, और सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी एक्सेस पानी है, तो तुरंत रिएक्ट करके पानी के साथ ब्लू कलर में, ये ब्लू था अब रेड में कन्वर्ट हो गया, अब ये पानी में है ना, अब ये कलर कैसा हो गया हमारा, रेड, फिनोल इंडो फिनोल का फॉर्मेशन होगा, इसके बाद हम लोग बेस में पास कराते हैं पूरा कंपाउंड को, तो सॉल्ट मिलता है, ये सॉल्ट है हमारा, तो फिर से सॉल्ट ब्लू कलर में हो जाता है, डीप ब्लू या ब्लू में, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर याद रखना आप लोग, ये सारा स्ट्रक्चर ही पूछा जाएगा आपसे, ये नहीं पूछा जाएगा कैसे हो रहा है, स्ट्रक्चर, नाम, कलर, बस, ठीक है, जो कलर पहले ब्लू था, ब्लू ब्लू बना ना यहाँ पे, डीप ब्लू कलर बना, पानी ऑलरेडी हम लोगों ने यूज करा है, देखो यहाँ पे पानी यूज करेंगे हम लोग, है ना, एक्सेस पानी यूज किया हम लोग, ठीक है ना, वाटर में पास कराया हमने, तो जो डीप ब्लू कंपाउंड बना था तुरंत रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा रेड कलर है, रेड, फिर जो रेड कलर बना ना, उसको जैसे ही हमने बेस में पास कराया, NaOH या यहाँ पे KOH कोई भी यूज कर सकते हो, तो जो हमारा ब्लू कलर था फिर से रीस्टोर हो जाता है बेस के प्रेजेंस में, ठीक है, इससे ये पता चलता है कि हमारा जो कंपाउंड है फिनोल है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अभी कि जनरेटेड सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH KOH रिस्टोर द ओरिजिनल ग्रीन या ब्लू कलर, जो ओरिजिनल कलर था ना वो रिस्टोर हो जाता है, सेम सिर्फ रिएजेंट की तरह, सिर्फ रिएजेंट पे क्या था है ना, पिंक कलर था, कलरलेस हो गया, एल्डिहाइड डाले पिंक कलर आ गया, उसी की तरह बिहेव कर रहा है भी, ठीक है, जो पहले ब्लू था पानी डाले रेड हो गया, फिर रेड को हम लोगों ने बेस, जो कंपाउंड रेड हुआ है उसको हम लोग बेस के साथ ट्रांसफर करवा दिए, पास किए, तो हमारा कलर फिर से ब्लू हो गया है ना, फाइनल प्रोडक्ट ब्लू आता है ना इसका, ठीक है, सॉल्ट होता है ना, ठीक है, किसका इसमें सॉल्ट है, कितने स्ट्रक्चर याद करने हैं? 1, 2,
ये तीनों सेम है, अगर आप देखोगे ना आपको खुद आइडिया लग जाएगा, तीनों सेम ही है, हल्का हल्का अंतर है। इसमें देखो पानी से पहले H4 H+ लगा है यहाँ पे, दिखा? जैसे ही पानी डाला ये सब गायब हो गए, देख लो गायब हो गए सब। बेस यूज करा तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ से एच हट जाएगा, के लग जाएगा, तीनों सेम है। तीनों अगर आप देखोगे तो सेम है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। पानी से पहले यहाँ देखो, सभी लोग नीचे दिख रहा है सबको, ये वाला पार्ट पानी से पहले ये था, पानी जैसे ही आया गायब हो गया सब, H+ निकल गया सब। बेस डालोगे तो बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ, तो एसिड एच यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो एक ही स्ट्रक्चर याद करना, बाकी आपका माइंड में रहेगा तो क्या है क्या नहीं है ना, ठीक है? क्लियर है ओके सर। ना? नेक्स्ट जो है हमारा पैथिलीन डाई टेस्ट फॉर फिनोल। फिनोल के लिए यूज करते हैं 2 मोल, हम लोग फिनोल यूज करते हैं यहाँ पे, और पैथिलिक एनहाइड्राइड का यूज करते हैं। जो कंपाउंड बनता है फिनोथिलीन बनता है, जिसका कलरलेस सोलूशन होता है। फिर कलरलेस जो बना है ना, इसको हम लोग बेस के साथ पास कराते हैं तो पिंक कलर बन जाता है। जो फिनोथिलीन बना है यहाँ पे ये वाला, इसको हम लोग बेस के साथ पास कराते हैं तो पिंक कलर बनता है। फिर हम लोग हमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस बेस जिसमें पास करा दिया ना तो कलरलेस बन जाएगा। तो याद रखना है ना, सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, कलरलेस, ठीक है ना? अगर इस सब का भी स्ट्रक्चर याद है ना, ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारा फेनोप्थलीन, ठीक है ना, फेनोप्थलीन जो बना है ये अभी कलरलेस है, ठीक है ना? जो प्रोडक्ट बनाया अभी रिएक्ट करके, पैथलिक एनहाइड्राइड प्लस फिनोल के साथ रिएक्ट करा के हम लोग फेनोप्थलीन बनाए है ना, कलरलेस सोल्यूशन है अभी। जो प्रोडक्ट बनाया है सोल्यूशन हमारा कलरलेस है, इसको हमने बेस के साथ रिएक्ट करा दिया तो सोल्यूशन का कलर पिंक हो गया है। क्या हो गया, पिंक। फिर हमने रुके नहीं, हमने एक्सेस बेस पास करा दिया। जैसे ही आपने एक्सेस बेस पास कराओगे पिंक कलर डिसअपीयर, कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाएगा हमारा, कलरलेस हो जाता है, ठीक है? तो बस ध्यान रखना कलर इसका है ना, और ये स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर याद रखना। ऐसा हो सकता है ना कि डायरेक्ट पूछ ले, डायरेक्ट का मतलब ये हुआ ये दे दे ये दे दे, और आपको बोले कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ध्यान रखना है ना, ठीक है? तो H+ यहाँ पे क्या होता है ना, ये प्रोटोनेशन होता है और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रेक होता है, फिर ये जाके यहाँ अटैक कर देता है। एक हुआ, 2 हुआ, दोनों ही फिनोल यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है? एक ही कार्बन पे 2 फिनोल अटैच हो जाता है, फेनोप्थिलीन। ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ध्यान रखा है ना, ठीक है? लास्ट टेस्ट जो है हमारा सेरिक एमोनियम नाइट्रेट, ये टेस्ट होता है आप लोग पता है, जब आप ड्रिंक एंड ड्राइव में है ना, ड्रंक एंड ड्राइव होता है ना, उसमें हम लोग यूज करते हैं इसको। यहाँ पे ड्रंक है ना, ड्रंक एंड ड्राइव, ड्रंक करके अगर आप ड्राइव करोगे तो यही टेस्ट होता है। इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है ना ये, थोड़ा सा भी अगर आप अल्कोहल कंज्यूम किए होगे ना तो आप पकड़ लिए जाओगे, ठीक है? इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है ये, ठीक है? सेरिक एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, इसका सर फिर हाँ इसका स्केल भी तो होता होगा ना कि इतना ड्रंक है इतना नहीं है। वो तो बात का चीज है, लेकिन पकड़ में आ जाओगे, ये इम्पोर्टेंट है याद रखना। स्केल का क्या, आप पियो तो कम बेसी क्या होता है, ठीक है? पर पीना ही नहीं चाहिए, पियो तो क्या है। हाँ वही तो, मतलब पकड़ लिए गए तो अल्कोहल रहोगे, मींस अल्कोहल रहेगा तो रेड कलर, फिनोल होगा तो ब्राउन या ब्लैक कलर, बस ये याद रखना। और इसका रिएजेंट और कॉम्प्लेक्स सर ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। ये सेरिक एमोनियम नाइट्रेट होता है ये, इसका नाम, इसका स्ट्रक्चर जो बना है रेड कॉम्प्लेक्स, ये स्ट्रक्चर इसका, बस काम खत्म है ना। और लाइसाइन टेस्ट भी देख लेना आप लोग है ना, लाइसाइन टेस्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो लाइसाइन टेस्ट का मैंने PDF भेज रखा है ऑलरेडी, तो आप लोग एक बार देख लेना। सल्फर का टेस्ट, नाइट्रोजन का टेस्ट कब होगा, जब कार्बन अटैच होगा उसके साथ, अदरवाइज नहीं, ठीक है? चलो, तो इसी के साथ केमिकल टेस्ट हमारा डिटेल में कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में ही हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है? सर ये वाली PDF भेज दीजिए मेरे को। ठीक है, ठीक है, आज मैं भेज दूँ, सर ठीक है? हाँ बोलो। सर सर मैंने आपसे कब कब बोल रखा कि सर मेरे को सॉफ्ट कॉपीज दे दो, आप देते ही नहीं हो। सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी है ना, उसको एडिट करना पड़ेगा, मैं भेजूंगा अभी।
उसको भेजने वाला हूँ जल्द 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 भेजने वाला हूँ मैं पता है पक्का बोल रखा है 15 दिन हाँ अभी अभी जो है ना अभी पीडीएफ को एडिट करना है वो मुझे पता है मैसेज सबका मैं पढ़ लेता हूँ है ना मुझे भी सेंड कर देना वो जो है ना सर पीडीएफ है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ठीक है वो मैं भेजूंगा टेंशन ना लो आप भेजने ही वाला के लिए पी ब्लॉक को छोड़ सकते हैं बहुत बड़ा चैप्टर है लास्ट में ट्राई करना भी पी ब्लॉक को ना हाँ ठीक है ठीक ठीक है सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन तब तक के लिए ओके बाय बाय टेक केयर बाय सर।